आज यहाँ पे हम वीडियो में जुड़े हैं और वीडियो का आप जैसे टाइटल रीड कर ही रहे हैं, इट्स अबाउट रेडियो। आप सभी लोग को अगर नहीं पता, रेडियो इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र इंटरेस्टेड था और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था फ्रॉम अगर आप 1 से 1.5 साल पहले की बात करें, बट आज की डेट में वो क्लोज होने वाला है। इनफैक्ट ऐसी अनाउंसमेंट हो गई है कि दे आर क्लोजिंग और शट डाउन हो रहा है। बट वो शट डाउन जिस तरीके से हो रहा है वो डेफिनेटली यूज़र्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम यूज़र भी आप कह सकते हैं, और यूज़र्स के लिए तो एक्चुअली वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपने उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी कार्ड्स के थ्रू, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कहा जा रहा है कि इट्स ऑफ नो यूज़ नाउ। तो यहाँ पे एक स्टैंड लेना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू उसके लिए, सबसे पहले आशीष भाई, वीरेन भाई, पीयूष भाई, आप सब आए और यूज़र्स के लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हुए, और अच्छा लगा देख के कि वी आर हेयर टुगेदर इन दिस फाइट। एंड होपफुली हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न है कि हम एक सॉल्यूशन लेके आ सके, जितना यूज़र है एटलीस्ट दे गेट समथिंग आउट ऑफ व्हाट देयर इन्वेस्टमेंट वाज, जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल, और वही हम इस वीडियो के थ्रू कोशिश करने वाले हैं। एक ब्रीफ हिस्टोरिक आपको जो इन्फॉर्मेशन है देना चाहूँगा। रेडियो जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो मार्केट में न्यूज़ थी, बिकॉज इट वॉज बैक्ड बाय सम ऑफ द बिग जायंट्स मार्केट में जो हैं, नेमली ड्रीम कैपिटल भी उसमें इन्वॉल्व था। धीरे धीरे उसमें काफ़ी लोग आए, दे हैड सम ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर्स, जो वन ऑफ आर प्लेयर्स आप कह सकते हो, किसी ना किसी का कोई फेवरेट प्लेयर जरूर इसमें होगा कि बिकॉज दे बैक्ड मैनी प्लेयर्स। तो काफ़ी कुछ अच्छा होना चाहिए था, जो कि आप कह सकते हो एक बिजनेस में दिस कुड हैव बीन अ वेरी बिग बिजनेस टू बी ऑनेस्ट, बट वो नहीं हो पाया फॉर अनफॉर्चुनेट रीजन। उसमें आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, किसी को नहीं करेंगे तो इनफैक्ट बेटर है, बिकॉज यहाँ पे अभी हम बस एक सॉल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए आए हैं। तो मैं बस अभी आशीष भाई से पूछूंगा, आशीष भाई क्या लग रहा है, जो नया डिसीजन, अगर आपने देखा हो कल डिसीजन आया था कि जो कार्ड्स हैं आपके वो यूजलेस हो जाएंगे, दे आर ऑफ नो वैल्यू, जिन पे हमने पैसे लगा के जो कार्ड लिए तो वो अगर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, आपका क्या रिएक्शन था पहले तो? रिएक्शन वो था कि जो बंदा है, नॉर्मल पर्सन, जो अपनी सैलरी में से कहीं पॉकेट मनी से कटआउट करके खेलने के लिए देख रहा हो, और वो फिर सोचता है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा डूब गया, तो वो उसके लिए एक झटका लगता है। वो सारे जो फील्ड के अंदर भी है उनको भी वही महसूस हो रहा है सेम। तो वो एनर्जी क्रिएट हो रही है अभी फिलहाल की, जो यूजर है सब निराश है, और ऐप भी जो है फिलहाल कुछ कार्ड्स को बाई बैक भी नहीं दे रहा। मतलब आप नया जो ऐप लॉन्च करोगे, आपने कहा है कि फ्यूचर के अंदर हम कुछ देख रहे हैं आगे, तो उसके अंदर कुछ तो कंसिडरेशन देना चाहिए यहाँ पे, वो उन्होंने नहीं किया। वो बस डायरेक्ट यहाँ पे शट डाउन करके जीरो करके जा रहे हैं। तो जो बंदे लाख लाख रुपए लगा के बैठे हैं वो कहाँ पे जाएंगे फिर? वो दोबारा क्या उस ऐप पे आके दोबारा ट्रस्ट करेंगे? और ये जिसके पेरेंट कंपनीज है वो उनपे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है वीरेन और पीयूष भाई? एक्चुअली आई तो डोंट हैव एनीथिंग टू से, आपको तो स्टार्ट करना चाहिए था वैसे। आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज आई थिंक सबसे पहले, इवन दो मे बी मैं बहुत कम लोगों के साथ इस कम्युनिटी में इंटरेक्ट करता हूँ, बट जब मैंने ये बात पहली बार सुनी दैट ड्रीम इलेवन ये प्रोडक्ट ला रहा है, तो मेरा जो इतना विश्वास था इस बात पे, इवन आप मुझे एक हफ्ता पहले तक भी पूछते तो मेरा आपसे यही जवाब होता कि मे बी उनकी पोजीशन बेस्ट नहीं है, बट मे बी वो लोग हम सबको रिफंड करके ये चीज को क्लोज कर देंगे। बिकॉज जब ये चीज स्टार्ट हुई, आई थिंक जितना मैंने उस चीज में बिलीव किया एट द स्टार्ट, स्पेशली ये सुन के कि ड्रीम इलेवन, सचिन सब इन्वॉल्व है, मुझे लगा कि कुछ अलग होगा, एंड कुछ अलग था भी, बट आई थिंक कुछ चीजें सही नहीं गई जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई, एंड इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड इवन आई वॉज इन्वॉल्व इन वेरियस कैपेसिटी, सो ऑफकोर्स इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट यही कोशिश है। आई थिंक हमने लास्ट 24 आवर्स में ही बात देख ली कि कैसे यूजर्स ने आके अपने हक के लिए वो बात आगे रखी, एंड विद इन 24 आवर्स हमने देखा है कि दे वर फोर्स टू गिव अस अ रिस्पॉन्स एंड ट्राई टू मेक समथिंग वर्क, एंड आई होप कि जो रिस्पॉन्स आया है उससे एक्चुअली विद इन द नेक्स्ट 1 वीक समथिंग गुड कम्स आउट, एंड आई एम हैप्पी टू सी। वैसे जो भी चीज़ें स्टॉल हुई है ओवर द लास्ट 6 मंथ्स, मैंने भी लोगों को कहा है बी पेशेंट, एंड मैंने जहाँ भी मुझे मौके मिले हैं मैंने जाके बात की है, ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन, बट आई थिंक वो एक जो पेशेंस का लेवल था वो कल थोड़ा सा मेरा भी हिल गया, एंड दैट इज वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस इट, एंड दैट इज वही करने की कोशिश की गई कल।
मतलब बेसिकली इसके लाइव करने का एजेंडा यही है कि आगे एग्जैक्टली आपको करना क्या है एज अ यूजर, या फिर हम कैसे मदद कर सकते हैं। पहले तो हम खुद भी यूजर हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भी कल ही पता चला, जब वो पोस्ट आई थी और आप सबने पोस्ट देखी, हमें तभी पता चला। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत शॉक था, क्योंकि जैसा विरिन भाई बाकी सबने बोला ना, हम सबको ट्रस्ट था क्योंकि वो जो जायंट है वो इन्वॉल्व है, और हम सबने भी ट्रस्ट उन्हीं पे किया है कि इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं जाएगा। वर्स्ट सिनेरियो में ये होगा कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया था, ब्रांड आके आपको ये बोलेगा कि ठीक है चलो हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे बस की नहीं हो रही, और जितना हमने फूकना था फूक दिया, जितना बंद कर सकते थे कर दिया, लेकिन ये लो आपका इन्वेस्टमेंट, अब हम जा रहे हैं दुकान बंद हमारे। बट हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि अब हम बंद कर रहे हैं, अब नया प्रोडक्ट लेके आएंगे और जो कार्ड्स की वैल्यू है वो जीरो। अब यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स हमने खुद ले रखे हैं, पीयूष भाई के पास बहुत सारे ब्लैक कार्ड्स हैं, मेरे पास हैं, विरिन भाई के पास, आशीष भाई, सबके पास हमारे बड़े कार्ड्स। और ऐसा नहीं था कि हमें पहले से पता था, और पता होता तो भी क्या कर लेते, हम थोड़ी बेच के निकल जाते, खरीदने वाला कौन। तो हम भी सेम बोट में ही है, सबका कटा है, मिलके कटा है, और एक्सपेक्टिंग वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, क्योंकि जब जहाँ पे सचिन तेंदुलकर हैं, सारे उन्होंने दुनिया के जितने भी सुपरस्टार प्लेयर्स हैं वो सारे उन्होंने साइन किए हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल दोनों हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे अगर बोर्ड को भी साइन कर रखा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और आप अगर मैं बताऊं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो डील है उनकी वो 5 साल की है, दूसरे साल में प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ना उन्होंने ना किसी और ने सोचा था कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसका रीजन टोटली जो है मिसमैनेजमेंट है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता था ये, और अभी बहुत लोग बोलते हैं कि स्कैम है। मैं स्कैम वर्ड अभी भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि स्कैम का इंटेंशन ही हमेशा से होता है डे वन से कि वो लोगों को बेवकूफ बना के और वहां पे अपना मॉनिटरी गेन करे। बट इनका इंटेंशन था नहीं, बस ये था कि इनसे चलानी, जो कि मतलब कैसे भी हो हमारा नुकसान सबका मिलके हुआ है फिलहाल। तो कल तक जो अपडेट थी वो ये थी कि ये लोग नहीं वापस करने वाले थे कुछ भी, पर उसके बाद में जितना आउटरेज हुआ, सारे लोग मिले, सबने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया, पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, हम में से बहुत लोग थे जो कि रैरियो ड्रीम इलेवन दोनों में इन्वॉल्व थे, और दोनों के साथ डिस्कशन चल रहा था, दोनों को बताया एग्जैक्टली कि क्या यूजर्स के साथ में हो रहा है, और उनको लग रहा था कि उनको ऐसा लगता है कि बेसिकली दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। बट हमने बहुत क्लियरली बोला अगर सेपरेट होती तो हम ऑब्वियसली आप पे ट्रस्ट करके रैरियो पे नहीं जाते, क्योंकि अगर यहाँ पे जितने लोग इन्वेस्ट किए, जितने ने भी इन्वेस्ट किए या प्रमोट किया है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ रीजन जो था, मेन जो था, वो था ट्रस्ट ऑन ड्रीम इलेवन। तो ऑब्वियसली अगर कोई और नई ब्रांड होती और आके हमें बोलते कि हम कार्ड्स बेच रहे हैं, हमें प्रमोट कर दो या फिर आप खेलो, तो शायद मे बी शायद हम भी नहीं खेलते। तो करंटली सीन ये है कि जो आउटरीच हुई उसके बाद में थोड़ा सा वहाँ पे माहौल जो है वो बदला है, और ऑलमोस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम लोग बायबैक करने को, नॉट एक्जैक्टली बायबैक उन्होंने वर्डिंग यूज नहीं किया, बट कंपनसेट करने को रेडी हो गए। अब कितना कंपनसेट करेंगे उन्होंने नहीं बोला, और किस तरीके से करेंगे वो भी नहीं बोला। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप जिस तरीके से कल से जितना लगे हो सोशल मीडिया पे, वैसे ही अगर आप लगे रहोगे और राइट डायरेक्शन में बिना गाली दिए, क्योंकि गाली देने के बाद ना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब जो भी आप अगर अच्छी बात भी बोल रहे हो, अगर आप वहां पे लास्ट के अंदर गाली ऐड कर दोगे ना, तो कोई पॉइंट नहीं होगा ऐड करने। तो जैसे आप करते जा रहे हो करते रहो सोशल मीडिया पे, जितना आप कर सकते हो उतना करो, सही चैनल पे करो, सही बंदे को टैग करके करो, और उसके बाद में पेशेंटली वेट करो। आई एम श्योर कि जैसे कल के बाद बदला है वैसे ही कुछ तो सुधरेगा, और जो वो परसेंटेज वाली बात है, फिलहाल जो डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे इंटरनली, वो ये है कि कितना परसेंट दे सकते हैं, और अगर उस जितना परसेंटेज आप बढ़ा पाएंगे वो आप ही बढ़ा सकते हैं, वो टोटली आपका। तो पीयूष तुमने बहुत बढ़िया बात रखी यार, आई थिंक काफी कुछ क्लियर किया, जो इंटरनली डिस्कशन हो रही है कुछ उसका भी आइडिया मिला, और ऑडियंस तक ये बात पहुंची है, सबसे जरूरी है, बिकॉज ये उन तक पहुंचना सबसे जरूरी है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, आपको कितना परसेंटेज उसका मिल सकता है, कितना मिलेगा, वो आपके ऊपर है। उसके लिए अब आपको हो सकता है वो मीठी गोली दे दी गई है आज एक पोस्ट डाल के कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो कुछ ना कुछ हो सकता है सिर्फ 10% हो, जितने सरप्राइजेस मिले हैं रेरियो से, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट मच। तो मैं चाहता हूँ कि हम उम्मीद कम लगाएं लेकिन मेहनत फुल ऑन रखें। तो आपको क्या है कि हटना नहीं है, मैं तो एटलीस्ट ये सिर्फ मेरा सजेशन है, बाकी भी अपना देंगे, बट जस्ट लगे रहो और अपनी डिमांड रखो राइट की। देखो अपनी राइट की डिमांड हम नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। जस्ट डिमांड योर राइट की यार, आपने इतना लिया था, आपने विश्वास दिखाया था, आपने पेशेंस दिखाई है, और मे बी ड्रीम कह रहा है कि हम लोग आए जरूर थे एज इन्वेस्टर, बट अलग एंटिटी है, बट ये नहीं भूलना 6 महीने पहले ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। मे बी अगर उस दिन वो ये चीज़ कहते तो मैं शायद ज़्यादा सुनता, लेकिन उनके भरोसे मैं बहुत पेशेंट रहा हूं। और उनके नाम से मुझे एटलीस्ट बहुत शांति मिली कि यार कि यूजर का पैसा सुरक्षित है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, मेरे पास खुद के आई थिंक अभी
मिनिमम 16 से 17 लाख के बेस प्राइस पे कार्ड है, तो अगर ये हो जाता है कुछ परसेंटेज तो सबसे ज्यादा मुझे ही मिलने वाला है, बट आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरे को बस इंटरेस्ट है कि यूजर के साथ गलत ना हो, मेजर चीज वो है, क्योंकि यूजर हमारे लिए सब कुछ है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए सेम चीज है, हम जो है ना वो यूजर की वजह से हैं। कुछ लोग ये समझते हैं तो हम तो अपना बेस्ट देंगे ही, यहाँ पे पीयूष भाई है, वीरेन है, आशीष है, ईच एंड एवरी वन इज स्टैंडिंग फॉर यू। हम लोग इकट्ठे हुए इसलिए कि आपको ये विश्वास हो कि भाई आपके लिए खड़े हैं, अब आपको भी साथ देना है ताकि आपके साथ ही अच्छा हो। तो जस्ट मेक श्योर टू नॉट स्टॉप आस्किंग योर राइट। हो सकता है कल को न्यूज आ जाए 20% देंगे, हो सकता है कल को आ जाए 30%, लेकिन आपने अपनी डिमांड पूरी रखनी है। डोंट सेटल, जस्ट मेक श्योर यू डिमांड योर बेस्ट एंड डिमांड योर राइट। अब बाकी आगे हमारी हिम्मत पे है सबकी, कितना आउटरेज होता है, इनफैक्ट आई वोंट यूज द वर्ड आउटरेज, कितना हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं इज आई थिंक राइट वर्ड टू यूज। तो अच्छे वे में, जैसे पीयूष भाई ने बोला, किसी को गलत बोलने का कोई फायदा नहीं है, यू कैन नॉट टैग अ क्रिकेटर एंड आस्क देम, क्योंकि सबके लिए उतना ही शॉकिंग है। जो सचिन ने इन्वेस्टमेंट किया ही डिड न्यू, वो नहीं तो वो कभी नहीं करेंगे। ऑफकोर्स सबको अच्छा दिखा, हम आए, अगर आप मुझसे एक साल पहले पूछेंगे मेरे लिए रेरियो ऐसा प्रोडक्ट था जो बहुत बड़ा हिट हो सकता है, बट वो मुझे धीरे धीरे टाइम टू टाइम दिखने लग गया था ड्यू टू देयर मैनेजमेंट डिसीजंस, इवन बाकियों को दिखने लगा होगा क्योंकि वो सुन भी नहीं रहे थे और जो वो कर रहे थे वो फिजिबल भी नहीं लग रहा था। बट ड्रास्टिक जो डाउनफॉल हुआ है दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब यही है, फाइट फॉर योर राइट, बाकी लेट्स सी बाकियों की क्या यहाँ पे सजेशन है। And just to add to it, मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब ये इसलिए नहीं बैठे कि हम में से किसी को मसीहा बनना है आपका और कि हम मतलब भगवान बन जाएंगे कि हम आए हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, यहाँ पे हर जितने लोग हैं सबको पैसे मिले फ्रॉम डायरी फॉर प्रमोटिंग, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे बड़ा बनने के लिए सब कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं करते हैं तो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे और बहुत जरूरी भी है एज ए यूजर भी, एज एन इन्फ्लुएंसर भी, या फिर एज ए रिस्पॉन्सिबल वो एक बंदा जिसको आप लोग फॉलो कर रहे हो। अगर अगर कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर अगर इस टाइम पे अगर आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, और जो आपको फिलहाल मदद कर रहा है वो लीस्ट है जो वो कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप डीएम करो, हो सकता है शायद हमारे लिए भी अभी करंट सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो, बट कोशिश हम में से पूरी करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का मैंने ट्वीट मैंने देखे हैं कि लोगों को लॉग इन नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों ने पासवर्ड चेंज करके ट्राई किया है, नहीं हो पा रहा है, आप डीएम करो हम चारों को, हम में से पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है टाइम ज्यादा लगे बट एफर्ट हमारा पूरा होगा, और हम में से कोई नहीं चाहता कि आपका पैसा डूबे। इनफैक्ट ना तो हम हमारा पैसा डूबाना चाहते हैं, ना ही आपका, और ना ही पहले दिन से किसी का भी इंटेंशन रहा है। अगेन मैं ये बोलूंगा प्रमोशन के पैसे सबको मिले, बट वो उस एक्सपेंस पे कोई नहीं लेगा जब हमें लगेगा कि यार, क्योंकि अगर 2 रुपए कमा रहे हैं और उसके चक्कर में 20 गाली पड़ेगी ना, कोई नहीं कमाना चाहता। इनफैक्ट यहाँ पे चारों लोग वो बैठे हैं जो बेटिंग प्रमोट करते ही नहीं है। अगर आपका टेलीग्राम चैनल है आपको आइडिया होगा, एक बेटिंग ऐप प्रमोट करने के, बुक प्रमोट करने के फिलहाल लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं पर मंथ, बट यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं करता, अगेन क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका वहां पे जो पैसा है वो डूब जाए। तो एटलीस्ट वी अश्योर कि आपका पैसा, ऑब्वियसली हम तो नहीं दे सकते, हम इतने बड़े जायंट है नहीं, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपका पैसा डूबे नहीं, और उसके लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और अगेन ये लाइफ का एजेंडा यही है कि आप लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, और साथ में एक डायरेक्शन में सब लोग इन अ रिस्पेक्टेबल वे करते जाओ, और आई एम श्योर कि हमारे वो जो रिजल्ट जो हमें चाहिए वो मिलेंगे। एब्सोल्युटली, ये हमारे ट्विटर हैंडल्स है, हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, सिमिलरली हमारे टेलीग्राम पे भी सेम हैंडल्स है। अगर आपको रीच आउट करना है, अगर आपके कोई भी इश्यूज है, अगर आपको लग रहा है कि people from the respective company are not replying back to you, jo bhi aapki technical issues hai, we'll try to sort it out with them, because jo ye jaise Piyush bhai ne kaha, we are not doing any god's work here, jo hum kar rahe hain this is the least we can do, and we are just trying to help and reach out in whatever way possible. Sorry, I'm generally aise har live mein main wo insaan hu jo sabse zyada baat karta hu, chahe wo rario ho ya non rario, but I am also just very shocked kyunki हमने इतने समय से खुद भी पेशेंस रखी, सबको पेशेंस रखने को कहा गया, बट ऑफ कोर्स जो चीजें टर्न आउट हुई वर एब्सोल्युटली नॉट लाइक हाउ वी एक्सपेक्टेड इट टू बी। राइट, इस यहां से जो हम कर सकते हैं दिस इज जस्ट जो है वो है, हो गया है, लेट्स जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। जो ऑडियंस के लिए बेस्ट होगा हम वो चाहते हैं, इवन हमारे लिए भी एज ऑडियंस भी, तो लेट्स जस्ट होप कि एक वॉइस जो हम रेस कर रहे हैं अपना राइट की, उसे एक अच्छे तरीके से और कर पाएं, और होपफुली इट रीचेस द राइट ईयर्स एंड होपफुली दे आल्सो थिंक अबाउट आवर सेंटीमेंट्स एंड टेक द बेस्ट डिसीजन। तो जस्ट लेट्स होप वही करें,
और थैंक यू यार सब लोगों ने सपोर्ट किया इसके लिए, आप लोग भी आए आगे और ऑडियंस भी, मैंने जब आज ट्वीट किया काफ़ी सपोर्टिव थी और इवन आफ्टर एवरीथिंग आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो उसके लिए भी थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस। और उसी बिलीव की वजह से जैसे उसने कहा वीरेन ने कि दिस इज़ नॉट अ गॉड्स वर्क बट हम आपके लिए पूरा खड़े हैं ताकि आपके लिए बेस्ट हो सके और ये हमारी ड्यूटी है, इसको आप अपना मॉरल राइट हमारे लिए भी मानो, हमारा राइट है उनको पूछना, आपका राइट है हमको पूछना, तो आप बिल्कुल हिचकिचाओ मत, जिसको जो मैसेज करना है कर सकता है, दो बार ही करो तीन बार करो, आपका काम है आपको निकलवाना है, जैसे भी आपको आपका राइट है आपको उसे मांगना है, हटना नहीं है, बस ये बात याद रखना। बिल्कुल, एंड यहाँ पे एक सवाल आया है फॉर रैरियो आईडी लॉगिन, तो आई थिंक सौरव आप हम में से किसी एक को यहाँ पे डीएम कर सकते हो एंड वील ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, एंड किसी के कोई भी करेंटली सवाल कोई भी ऐसे हो जो हम जवाब दे पाए, या अगर कोई ऐसी चीज हो टेक्निकली जो आपको सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, आप अभी कॉमेंट्स में डाल सकते हो, सो वी कैन हाईलाइट इट, एंड जैसे लाइव खत्म हो एंड जो भी आपके डीएम्स आए हम इमीडिएटली वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर पाए। एक्चुअली ये बहुत कंसर्न आ रहा है, काफी लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वी नीड अ क्यूम्युलेटिव सॉल्यूशन फॉर दिस, काफी लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैंने ऑलरेडी काफी लोगों को रिप्लाई भी किया है, तो एक बार फेरल टीम से हम कांटेक्ट, जैसे भी हमारा हो जाता है कांटेक्ट करते हैं, हम आपको अपडेट कर देंगे एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या और कब तक हो जाएगा, तो एक जनरल अपडेट हम वैसे ही डाल देंगे। मुझे ये एनीवे बहुत लोगों का है, आपका अकेले का नहीं है, और बहुत लोग सेम इशू फेस कर रहे हैं, तो मे बी शायद वो उनके एंड से वो एरर है, शायद ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर यूजर को ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो फिर उनके एंड से ही है, तो आप थोड़ा वेट करो, हम उनसे कनेक्ट करते हैं और जैसे ही अपडेट होगी हम टेलीग्राम चैनल, अब ट्विटर सब जगह अपडेट कर देंगे, आप चारोगे टेलीग्राम अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो वो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो और वहाँ पे अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे हमारे पास आएगी। और ऑब्वियसली वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे फिलहाल अगर रैरियो की बात करें तो जितने एम्प्लॉइज थे वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं, तो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं रैरियो और ड्रीम इलेवन टीम दोनों से कनेक्ट करके जो भी अपडेट आपको मिलती रही हम देते रहेंगे, और बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखो और गाली गलौज मत करो। I think just silence that, that should say everything. I don't think we have anything else to say. Anything else that you guys want to add? I don't know. आशीष भाई अभी भी शॉक में लग रहे हैं मुझे उनके कार्ड स्किल को लेकर। कमेंट पढ़ रहा था, कई लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना पॉकेट मनी की टाइप, क्योंकि जो फैंटेसी में लड़के होते हैं मोस्टली आपको दिखते हैं 18 से लेके 25 की एज के मोस्टली वही आते हैं, तो उसमें वो लड़के कमेंट कर रहे हैं कोई कमीशन लिया आपने लूट लिया, मतलब वो अलग कमेंट्स कर रहे हैं, तो वही है कि मैं वही कहूंगा यार जो बंदा आपको कुछ दे रहा है टाइम इन्वेस्ट करके तो वो उसको मनी जो मिल रहा है वो अलग चीज हो गई, वो तो मतलब उसकी खुद की मेहनत है, पर उसके बाद आप वो देखो कि जो बैकग्राउंड के अंदर चीजें चल रही है और किसको पता, अब वो जो कंपनी ने किया वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था सबके लिए, जिस तरह से चीजें पैन आउट करी थी हमने, जो ट्रस्ट था वो खुद ब्रेक हुआ है उस पर, यार क्या ही बोले अभी, और कई लोग केस के लिए गए हैं तो भाई इस पर लॉजिक ही नहीं बैठेगा, क्योंकि ये NFT के बेसिस पे आती है यहाँ पर, वो गारंटी नहीं लेते कि हम आपको अगर कंपनी डूबती है तो हम आपको मनी बैक करेंगे, वो भी एक इशू है इसके अंदर सबसे बड़ा। जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये सब लूप होल्स कवर्ड होते हैं कंपनी के द्वारा, तो अगर वो इतने बोर्ड से सब कुछ लेके रखे थे एफिलिएशन मेंबरशिप्स जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एग्जांपल, तो इट्स जस्ट दैट कि दे हैव कवर्ड एवरी लूप होल, उनका लीगल कॉम्प्लायंस भी बहुत उस तरीके से था, ऑफकोर्स नई चीज थी बट इस केस में आई थिंक दे हैव कवर्ड देमसेल्व्स प्रीटी वेल, बट लेट्स होप कि वो सब जरूरत पड़े ही ना, दे टेक अ गुड डिसीजन एंड एवरीथिंग गेट सॉर्टेड, दिस इज द बेस्ट वी कैन होप एंड बेस्ट वी कैन ट्राई। आई थिंक काफी लोगों का सेम ही क्वेश्चन है कि लीगल एक्शन के बारे में बात करो, तो लीगल एक्शन मतलब ऑनेस्टली आप ले नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि वो NFT प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी बोला ना आशीष भाई ने, आप वो उनका वो लाइबल नहीं है आपको कुछ भी वापस बाय बैक करके और वापस देने के लिए। रही बात उनके पास आई थिंक अभी भी फंड्स अवेलेबल हैं जो कि वो दे सकते हैं, अगेन क्योंकि वो ऑपरेशन बंद नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बंद करके जा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपके पास में अगर पैसे हैं तो आप पहले यूजर्स को लौटाओ, तो टेक्निकली वो बंद नहीं कर रहे, तो लीगली आप कैसे भी जाओगे ना तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो बैटल सीधी सीधे है कि आप सोशल मीडिया पर लड़ो रादर देन आप जाके कोर्ट में लड़ो, क्योंकि वहां तो कुछ होगा नहीं, अगेन जैसे लूप होल्स इतने सारे उनके पास में, और अगर आपने जब भी हम कहीं साइन अप करते हैं ना तो वो आग बंद करके जो 25 पेज होते हैं ना वो क्लिक किया और हमने रीड एंड
रीड कर लिया सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो आज तक किसी ने नहीं रीड करे, तो ऑलरेडी आप उनको वो सारी परमिशन दे चुके हो और मुझे नहीं लगता लीगली कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल सोल्यूशन अवेलेबल है. फिलहाल सोशल मीडिया पर जो आप कर सकते हो, अगेन जैसे हमने डिस्कस करा, इन द मोस्ट रिस्पेक्टेबल वे वो आप करते रहो, राइट चैनल के थ्रू, राइट लोगों को टैग करके, क्योंकि जितना शॉकिंग वो आपके लिए हमारे लिए, उतना बाकी जो जितने लोग इन्वॉल्व हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स, जितने क्रिकेटर्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो भी उतने ही, उनके लिए भी उतना ही शॉकिंग है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतना बड़ा था ऑलरेडी रारियो, और जिसका इन्वेस्टमेंट है उनका इन्वेस्टमेंट वो साफ हो गया है, उड़ गया है पूरा, और वो बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था. बट अगेन जो अमाउंट उन्हें रिफंड करना है वो उसके अगर प्रपोर्शन में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है. तो आई स्टिल फील कि अगर आप लगे रहोगे तो वो इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि जो स्टेक पे है उस जायंट की बहुत बड़ी गुडविल और वो ट्रस्ट है, जो कि आई एम श्योर कि वो एक छोटे से अमाउंट के लिए वो लोग नहीं रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि उसको बिल्ड करने में लगे हैं सालों. तो डिपेंड करता है आप लोग कितना लगे रहते हो और कितना साथ में मिलके करते हो और वो इन अ सेम डायरेक्शन वो करते हो, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऑनेस्टली. मतलब सोशल मीडिया पे होना नहीं चाहिए बट फॉलोअर्स का बहुत फर्क पड़ता है, अगर आपके 4 फॉलोअर हैं और अगर आप मेंशन करके और वो कर रहे हो कोई ध्यान नहीं देगा, बट अगर आप सब मिलके करोगे एक साथ और वो एक ट्रेंड सेट कर दोगे वहां पे, वो ट्रेंड करता रहेगा, तो फिर हर किसी को जो नहीं भी देखना चाह रहा है, इसको नहीं भी पता, उसको भी पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो फिर आपकी आवाज जाएगी ऊपर. तो बस आपके पास एक्चुअल में सेंसिबल सॉल्यूशन यही है, करते रहो और जो भी अपडेट होती रहेगी हम आपको देते रहेंगे रिस्पेक्टिव चैनल्स पे, टेलीग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी हम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास आएगी हम आपको देते जाएंगे. आज के लिए मेरे को लगता है काफी ज्ञान हो गया है, तो हो गया हमारा लाइफ तो. ना एक रिक्वेस्ट है आप तीनों को, एटलीस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लोग ने आज और कल में जो भी ट्वीट किए हैं इन रिगार्ड्स टू रारियो, अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दें, ताकि फिर जो भी आपके यूजर्स हैं, सब हमारे जो यूजर्स हैं, एक साथ वहाँ कलेक्टिवली अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट विल गिव अ लिटिल मोर पुश टू द थिंग, क्योंकि एक इंसान एक ट्वीट करेगा, फिर कोई दूसरा ट्वीट करेगा, इट विल नॉट हैव कलेक्टिव स्टेबिलिटी. सब अगर साथ में वही बात पे एम्फसाइज करेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प मोर. तो अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में खाली वो ट्वीट पे फोकस कर देंगे, लिंक चेंज कर देंगे, तो हेल्प हो जाएगी वहाँ पे. Sure. I think अभी भी लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि हो क्या रहा है, बहुत सारे कमेंट में देख रहा हूँ, तो लोग यही पूछ रहे हैं कि मेरे पास अभी इतने कार्ड्स हैं, मैं उनको क्या करूँ और कि मैं विड्रॉ कैसे करूँ. तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर आपको मतलब नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो कॉन्टेक्ट सेट करने के लिए, जो आपके कार्ड्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं उन्हें बेच दूंगा तो कोई खरीदार होगा नहीं, कोई नहीं खरीदने वाला, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है फिलहाल हो चुकी है जीरो. तो और ये लाइव करने का जो एजेंडा है वो बेसिकली यही है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था एज पर आरियो, जो उन्होंने लास्ट अपडेट दी थी एक दिन पहले, उसके अकॉर्डिंग वो जीरो हो गए थे. फिर उन्होंने आज वापस अपडेट दी है कि हम कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे. उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोला है कैसे करेंगे और कितना करेंगे. हो सकता है कि शायद वो अभी परसेंटेज वाइज सोच रहे हो कि हम शायद इतना परसेंट कर दें, उस परसेंटेज को हो सकता है 20-25-50 जो भी वो सोच रहे हो उससे 100 तक लेके जाना, वो आपके हाथ में है. फिलहाल अगर आप सोच रहे हो कि वो कार्ड से आपको कुछ मिल जाएगा, तो एज पर आरियो फिलहाल नहीं मिलने वाला. पीयूष भाई, एज आप ऑलरेडी लीगली इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप थोड़ा उस पर क्लैरिटी दे सके कि व्हाट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल. देखो, अब आप मुझसे पूछोगे तो मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग ही हो जाएगा, बट मैं किसी को ना फॉल्स होप नहीं देना चाहता. टू गो अगेंस्ट मार्केट जायंट्स लाइक ड्रीम इलेवन इज नॉट एन ईजी थिंग टू, बट दैट इज ऑब्वियसली इन आवर राइट्स. तो लेट्स से कि वो कुछ भी नहीं दे रहे, तो मे बी वी कैन डू दैट, मे बी वी कैन गो लीगल, बिकॉज एट दैट डोंट डे अगर हम कहें लूपोल नहीं है या उन्होंने सब कवर कर रखा है, जो हम टिक करते हैं जैसे पीयूष ने कहा, इट्स ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते. बट रियलिटी ये भी है कि जो वहाँ पे जज बैठा है उसका काम है सेंटीमेंट्स को सही तरीके से समझ के जजमेंट देना. तो मे बी देर इज ऑलवेज होप, कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो ऑलवेज वी गो विद द होप. तो कुछ होप तो जरूर रहेगी, मे बी सब लोग कहेंगे नहीं रहेगी, बट मेरे से पूछोगे तो कुछ होप जरूर रहेगी, बिकॉज मैं जो जजेस के बारे में समझता हूँ, जो जुडिशरी के बारे में, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, बिकॉज वो हमेशा ऑडियंस के बारे में ज्यादा सोचते हैं. तो मे बी इट माइट हेल्प, बट वो देन अगेन दैट इज द लास्ट सिनेरियो. होपफुली हमें वहां तक जाना ही ना पड़े, होपफुली पहले ही सब कुछ सॉर्ट हो जाए. और जो हमारा मेन एजेंडा है कि वी वॉन्ट बाय बैक, कि बस वो हमारे कार्ड्स की जो वैल्यू है वो हमें दे दें. लीस्ट जो हमारी डिमांड है कि एटलीस्ट जो हमारे कार्ड की बेस वैल्यू है वो ले लें. अब आगे उनका डिसीजन है, व्हाट दे से, मे बी देयर इज सम नेगोशिएशन और व्हाटएवर जो भी इसमें बैठता है. बट हमारा मेन टारगेट वो है, लीगल रिकोर्स इज लेटर. अगर कुछ नहीं होता तो मे बी उसके बारे में सोचेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, बट
पहला टारगेट पे फोकस करते हैं, लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, लेट्स फोकस कि हमारा बायबैक हो जाए, वो ही सबके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, ऑडियंस के लिए नंबर वन सॉल्यूशन फिलहाल वही है। एक और मैं आंसर करना चाहूंगा, ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ही एक और क्वेश्चन पूछा है कि इट सीम्स लाइक यू गाइस आर एडवोकेटिंग फॉर ड्रीम इलेवन सिनेरियो। भाई हम ना एक्चुअली दुनिया में लास्ट बंदे होंगे जो अभी एडवोकेट करेंगे फॉर ड्रीम इलेवन सिनेरियो, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में एक्चुअली सबसे ज्यादा खराब जो लग रहे हैं या फिर हम खराब सिचुएशन में जो है अदर देन यूजर्स, वो हम ही है, क्योंकि यूजर्स अगर वो फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकाल रहे हैं तो वो हम जैसे लोग हैं, और हम एज ए यूजर भी फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है और वो रायरू ने नहीं दिया है, हमें नहीं दिया ब्लैक कार्ड्स के, आप 100 ब्लैक कार्ड्स लो और खेलो। यहाँ पे पीयूष भाई के पास में दुनिया भर के ब्लैक कार्ड्स हैं, मेरे पास में दुनिया भर के ब्लैक कार्ड्स हैं, वीरेन भाई के पास 400-500 कार्ड्स पड़े हैं, आशीष भाई के पास पड़े हैं, तो वो रायरू ने नहीं दिया, हमने खुद ने खरीदे। हर सेल के अंदर मैंने 4-5 ब्लैक कार्ड गोल्ड खरीदे और इतनी खुशी होती थी, वाह आज तो ये मिल गया, आज तो मतलब मैं खत्म कर दूंगा रायरू पे सारे में जीत जाऊँ। तो हम लोग बिल्कुल एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, क्लियरली जो उन्होंने किया है वो मिसमैनेजमेंट है, वो करोड़ जो है वो बर्न कर चुके हैं, और ये एक प्रोडक्ट बहुत ही जो मैसिवली एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो हो सकता था वो उसके आसपास भी नहीं है और बंद होने की कगार पे है, कुछ नहीं बचा है। तो हम तो आखिरी बंदे होंगे जो एडवोकेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम अगेन मैं यही बोलूंगा कि गाली देने से पैसा तो मिलेगा, तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अभी भी लगे रहोगे तो जैसा आज रैरियो ने एक दिन बाद में ही वो अपडेट दे दी है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे जिसको भी लॉसेस हुए हैं, आई एम श्योर कि उन्हें करना पड़ेगा, बट हम एडवोकेट बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, हमें इनफैक्ट ये जो स्ट्रीम है, ये लाइव जो आप देख रहे हो, ये ना रैरियो करा रहा ना ड्रीम इलेवन करा रहा है, हमने मिलकर किया है, और वो भी इसलिए क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि किसी का जो पैसा अटका हुआ है यूजर्स का वो ना अटके। अच्छा मैं एक्चुअली इसमें बहुत एक चीज कहना चाहूंगा यार, ये तो जिसने भी बोला आप समझ भी नहीं सकते कि हम में से कितने लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपस में भी कितने टाइम से यार कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, और एंड में एक उम्मीद जरूर होती थी यार बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आ ही जाएगा, अब वो भी हट गई तो हम आपके सामने आए, अदरवाइज हमें ये था कि एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एडवोकेट करना होता तो अगर आप हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे तो इट वॉज नॉट इन अ गुड डायरेक्शन, हम इनफैक्ट आपसे ज़्यादा इंपेशेंट हम थे क्योंकि हमारी स्टेक थी रेपुटेशन, अब जो हमने इतनी इज्जत कमाई है, अगर ड्रीम इलेवन की गुडविल की हम बात कर रहे हैं कि दे में शॉर्ट, हमारी भी कुछ गुडविल है जो हमने कमाई है और वो भी स्टेक पे थी, तो इवन जैसे पीयूष भाई ने कहा हम सबको पैसे मिले हैं इसके लिए, मैं आपको इतना बता दूं कोई ये गॉड वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा बनने की कोशिश करूँ, ये वो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट जितना मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिला भी नहीं है, उसका 1/4 भी नहीं मिला जो मेरा अमाउंट था, पीयूष भाई आपको भी बता रहा हूँ 1/4 भी नहीं मिला मुझे चाहिए भी नहीं है, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था इट इज मोर देन 15 लैक्स, अभी जितना भी मैंने विन किया ना फुल WBBL रैंक 1 थी मेरी, मैं रीपरचेज करता गया कार्ड, तो वो कार्ड तो मेरे 117 ब्लैक कार्ड टोटल गोल्ड कार्ड 500 से ऊपर मैंने वो शेयर किया था ट्विटर पे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं बट 20 लाख का तो पोर्टफोलियो सिर्फ कार्ड्स का ही है, और वो सिर्फ री इन्वेस्टमेंट कर करके निकाला मैंने कुछ भी नहीं है, तो मैंने भी ये गलती करी है जो मैं बहुत जीता था, इनफैक्ट BBL में बहुत जीता हूँ, CPL में बहुत जीता, जितना जीता वो सब रीइन्वेस्टमेंट करके कि एक नए कार्ड लेते गए, और वो ऑब्वियसली ना उस टाइम पे नया नया बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि आप नए कार्ड ले रहे हो और वो कार्ड मिल गया आपको जो चाहिए था, अरे भाई ये तो जिता ही देगा मेरे को 1/2, तो कार्ड लेते गए और आप हर बार ना कुछ ना कुछ नया सीखते हो। मैं 2008 से फैंटेसी खेल रहा हूँ बट मेरे लिए ये भी लर्निंग थी कि इन्वेस्टमेंट अपना खुद का निकाल लो, तो मैं उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट था वो रीइन्वेस्टमेंट करते गए और विड्रॉ कुछ नहीं किया, और ये सिमिलर सिचुएशन बहुत यूजर्स के साथ भी है क्योंकि उनको भी बिलीव था कि जो प्रोडक्ट था मे बी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मनी की बात नहीं है, मेरे को याद है कि WBBL में रात को 3 बजे कार्ड आए थे और मुझे बस एमिलिया कर का कार्ड लेना था, तो मैं रात को 3 बजे तक जागा वो कार्ड ब्लैक कार्ड लेकर ही माना, तो वो भी एक फाइट होती थी उस टाइम पे, इतना था कि आपको कार्ड लेना है तो आपको 5 मिनट में लेना पड़ेगा अदरवाइज आपको मिलेगा ही नहीं, तो वो सब जो रजिस्टर पे मैं नोट करता था मुझे कौन से कार्ड चाहिए फाइनेंसिस के हिसाब से क्या क्या मैं ले सकता हूँ, तो इतनी जो प्लानिंग थी वो तभी थी कि लग रहा था कुछ बढ़िया होगा, वो एक अलग यहाँ पे सैडनेस हो गई है लाइफ में क्योंकि मेरे तो काफ़ी रिलेटिव्स को मैंने इन्वेस्ट करवा रखा था कि इट इज़ अ गुड एप्लीकेशन आप ट्राई करो, अब मैंने लेकिन ना एक वीडियो बनाया IPL के बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसको कार्ड बेचने हैं बेच दो, अभी सब बिक रहे हैं तो काफी ऑडियंस ने बेचे भी कुछ ने नहीं भी बेचे, वो वीडियो मुझे रैरियो ने बोल के रिमूव भी करवा दिया था, यहाँ पे बोल भी रहा हूँ कि यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि कार्ड सेल आउट कर दो ऐसे तो सब कार्ड बिक जाएंगे, बट फॉर्चुनेटली अब मैं सोचता हूँ मे बी वो 2 दिन वीडियो रहा था तो उसको देख के किसी को कुछ फायदा ही हो गया हो, एटलीस्ट कुछ लोग तो निकले हो, बट सैडनेस ये है अभी कि जो है वो है, वी जस्ट नीड टू फाइट इट आउट एंड अब यहाँ से अपने राइट के लिए लड़ना है, बेसिक तो हमने जो सब बात करी क्रक्स वही यहाँ के रुकता है, जस्ट डिमांड द कार्ड बाय बैक,
कोई अपने राइट के लिए हटेगा नहीं, मांगोगे तभी मिलेगा, चुप रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा. चुप तो हम पिछले 6 महीने से भी थे, कुछ नहीं मिल रहा था, एंड में वर्स्ट डिसीजन जो पॉसिबल था वो लिया गया. तो जो सर थे जिन्होंने वो क्वेश्चन किया था और वो स्टेटमेंट था रादर देन क्वेश्चन, उन्हीं का फॉलो अप भी है, वो बोल रहे हैं कॉमन पीपल आर बिगर देन द जायंट्स, ओके स्टॉप एडवोकेटिंग फॉर ट्रीमन डेरियो. तो सर अगेन मैं यही बोलूंगा, हम उनके लिए एडवोकेट नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए कॉमन पीपल जो है वो अगेन उनसे बड़े हैं, इसीलिए हम ये लाइव कर रहे हैं. अगर हमारे लिए हमारा तो एक्चुअली नुकसान है. मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊं आपको, ड्रीम इलेवन से मैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं वहां कॉन्ट्रैक्टेड हूं और हो सकता है मेरे लिए शायद ये खराब भी हो करना, और मेरे लिए एट सम पॉइंट मेरे लिए मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ेगा और इम्पैक्ट होगा उसका, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है. एग्जैक्टली. तो छोड़ दो ये सब और फिलहाल एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करो, और अगेन फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा, इन्हें रिस्पेक्टेबल है. Yes, जिसको so भी लग रहा है एडवोकेट करें तो आप खुद सोचो, पहले ही इतनी गाली मिल चुकी है, उनके फेवर में दोबारा बोलेंगे तो और क्या होगा, वो तो सोचा यार आप लोग. एग्जैक्टली. इनफैक्ट अगर इनमें से कोई अगर यही बोल लेता है उनके लिए तो मैं गाली दूंगा सबसे पहले. एग्जैक्टली. करेंटली आई डोंट थिंक किसी को भी एडवोकेट करके हमें कुछ भी फायदा मिलेगा, एंड I think अब just is the time to be together and एक साथ में सब साथ रहिए एंड सबका एक ही यहाँ पे एम रहना चाहिए. मुझे भी आज सुबह को कई लोगों के मैसेजेस आए, जो कुछ मेरे यूजर्स नहीं, कुछ मेरे यूजर्स थे उनकी वजह से इन्वेस्ट किया, इनकी वजह से इन्वेस्ट किया, बैनर देख के इन्वेस्ट किया. फेयर इनफ, यहाँ पे कोई मैं किसी को सही गलत ब्लेम नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे. But I think the aim should be one right now, ki rather than blaming X, Y and Z, the aim should be ki aapko jo ab wapas chahiye uske liye aap apna point strong rakhiye, kyunki agar aap blame game ek dusre ke upar kisi aur ke upar yahan pe khelenge to usse kya ho jayega, jo main point hai wo puri tarike se divert ho jayega, and jo aapko baat rakhni hai and jo main reason se aap wo baat rakh rahe ho wo baat un tak pahunchegi nahi. So it's very important ki aap wahi clean language mein sahi tarike se apna point rakhiye, क्लियरली बताइए कि आपका क्या कंसर्न है, क्या आपका प्रॉफिट लॉस अगर आपको वो भी मेंशन करना है टू शो द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, आप वो भी करिए. बट अगर आप सही तरीके से बात करेंगे तो ही वो सही तरीके से बात उन तक पहुंचेगी. एंड आप ये ट्विटर पे भी देखते हुए बात को कि अगर आपने कोई भी खराब शब्द वहां पे यूज किया, कुछ भी किया, तो आपका वो रिप्लाई प्रॉब्ली उन तक पहुंचेगा भी नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से बात करिए ताकि सही तरीके से हमारी बात उन तक पहुंच पाए, क्योंकि जो लास्ट 24 आवर्स में हुआ है एंड जो उनका पहला अनाउंसमेंट आ जाए, दैट इज ओनली बिकॉज आप सब साथ में रहे हो, किसी ने एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेम नहीं किया कि अच्छा इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ. द एम इज जस्ट वन एंड शुड बी जस्ट वन. दैट्स अबाउट इट. भैया मेनली उनको एहसास होना चाहिए कि जो यूजर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनके पास फंड्स है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रैंड लीग से रहता है वो निकल जाता है वहां से, आप कोई भी मैच उठा के देख लो, तो वो दे सकते हैं. बट वो अभी वो सोच रहे हैं कि सब शांत बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है उनको, वो एनर्जी अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. बेटर है कि आप एक साथ लगी उसके अंदर और उनको फील होना चाहिए कि कुछ तो हो रहा है कि नीचे अंडर द लेवल, तब जाके वो लोग फिर उस चीज को महसूस करके कुछ अच्छा कर सकते हैं आगे. Absolutely. बिल्कुल, जैसे सिंपल सी बात है, एक और एक 11 होता है, अगर आप एक और एक मिलाते जाओगे तो वो नंबर बड़ा होता जाएगा. यहाँ क्रिक 11, विरे 11 हो गए, आशीष 11 हो गए, पीयूष 11, 44 तो यही हो गए. बाकी आप ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ोगी तो अपने आप नंबर बढ़ेगा, और दे वुड बी एक्चुअली नॉट, आई वोंट यूज द वर्ड प्रेशराइज, बट दे वुड एक्चुअली बी काइंड इनफ लेट से कि कुछ अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन करें, होपफुली वी कैन होप दैट. क्योंकि आज एक अच्छा डिसीजन आया, बट वो एक मीठी गोली भी हो सकती है, जिसे मैंने कहा हमें बैठ नहीं जाना है, वी स्टिल वॉन्ट आर राइट. तो जस्ट डोंट स्लीप ओवर योर राइट, ये लीगल टर्म है लॉ में, ये कहा गया अगर आप सो जाते हो अपने राइट के ऊपर, यू स्लीप ऑन योर राइट देन यू गिव अप योर राइट. तो अपना राइट गिव अप मत करना, कीप आस्किंग फॉर योर राइट, दैट्स इट. एब्सोल्युटली. एंड बिल्कुल आप हमें ट्विटर पे टैग करिए एंड आप रीच आउट करिए, जो भी आपके कार्ड्स का कलेक्शन है, कितने कार्ड्स आपके पास अब तक पड़े हुए हैं एंड कैसे वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा, आप प्लीज वो पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब करिए ताकि हम वो चीजें उन तक पहुंचा पाए. क्योंकि जब वो इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन उन तक पहुंचेगी, मे बी तब जो रिजल्ट्स हो बहुत अलग हो फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. तो आप स्क्रीनशॉट्स डालिए, अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, हमारे हैंडल्स है वहां पे, हमें रीच आउट करिए एंड हम वही सब चीजें उन तक पहुंचाएंगे वापस.
बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था हम एक थ्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे सब अपना मे बी कार्ड पोर्टफोलियो डाल सके, टू ताकि उनको दिखे भाई कि कितने लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है एंड दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मे बी कुछ ना कुछ करते हैं, लेट्स प्लान आउट समथिंग। ट्विटर पे आप एक्टिव रहिए, यहाँ पे आप हमारे लिंक्स पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ना कुछ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने सब पर्सनल सोशल मीडियाज पे भी तो आप सबको ज्वाइन करो और जस्ट कीप द फाइट ऑन, जस्ट आस्क फॉर योर राइट, सो मत जाना। बस एंड में यही कह रहा हूँ, आज सो गए तो कुछ नहीं मिलेगा, पिछले टाइम से हम कुछ नहीं कर रहे थे बट आज नहीं सो सकते। यू नीड टू फाइट फॉर योर राइट अभी, क्योंकि अभी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए, मे बी उसके बाद नहीं। तो आज लास्ट अपना बेस्ट देते रहो और डिमांड योर राइट, और बेटर आप एक ही हैशटैग यूज करो जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कर सके, जैसे कि बाय बैक रेडी हो गया हैशटैग वाला, तो ये जो एक वीक के अंदर करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। मैं लाइव कमेंट्स में हम चारों के हैंडल्स भी यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे हमें रीच आउट करिए एंड वहाँ पे आपके जो भी कंसर्न्स है एंड जो भी इश्यूज है पूरी तरीके से डिटेल में आप हमें बताइए, तो हम वही चीजें उन तक पहुँचाएंगे। अच्छा लास्ट में जब मैं ये वीडियो खत्म कर रहे हैं उससे पहले मैं पढ़ रहा था कमेंट फरारी ऑफिशियल चैट के अंदर, उसके अंदर किसी ने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है लाइव का और किसी ने बोला हुआ है कि शायद इनको लग रहा है कि रारियो की तरफ से कांटेक्ट और ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया, बता दिया है इनको कि शायद 10-20% मिलेगा। तो रारियो मैनेजमेंट ने हमें कुछ नहीं बताया और हमारे पास अगेन जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो है, बस हमें ये जरूर लगता है कि वो कंपनसेट करेंगे जितना बात हुई है, बट अगेन राजू ने हमें नहीं बोला है कि 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 50% मिलेगा, किसी को कुछ नहीं बताया। हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है शायद वो परसेंटेज वाइज दे दे, और इसका ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगेन वी आर इन द सेम बोट, हमें कुछ नहीं पता है, ना हमें रारियो फोन करके बोलता है कि अब हमने ये डिसाइड किया हम आपको 20% देने वाले हैं, 10-20% का कोई फिगर कहीं पे कोई बात नहीं। एग्जैक्टली, मैं तो कुछ होप नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि अगर अभी फाइट नहीं किया तो मैं आज से एक हफ्ते बाद सोचूंगा कि यार शायद बात कर लेते तो कुछ हो जाता, तो वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। जस्ट गिव योर बेस्ट कि जो हो सके वो हो जाए, कल को हम ये ना सोचें यार कि शायद बात करते तो कुछ सॉल्यूशन हो जाता, तो वो बात करने का अभी टाइम है, कर लो। और ये जो ग्रुप में लिख रहे हैं ऐसे, अगर आपने जो पीयूष भाई बताया तो दिस विल जस्ट डिवाइड, हम लोगों को डिवाइड कर देगा वो चीज़। अभी ना सबसे ज़्यादा लेट से गलत है हम लोगों के लिए, अभी इकट्ठे होने का टाइम है, और जिसके भी आप फॉलोअर हो, आप फॉलोअर नहीं भी हो, अपने राइट के लिए हो, मेक श्योर टू टेक द स्टैंड रेदर देन अभी इन चीज़ों पर पॉलिटिक्स पे या ऐसे किसी को बोलने पर फोकस करो। अगर आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है तो आप सोल्यूशन की तरफ मूव करो, दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग। और आई होप कि जो स्मार्ट यूजर्स हैं, जो थोड़े स्मार्ट हैं, अपने राइट को जानते हैं, वो ये चीज समझ रहे हैं। तो इधर उधर की बातें करने वाले बहुत लोग आएंगे, जस्ट कीप योर फोकस ऑन आस्किंग योर राइट। ऐसे जो जिनको मजे लेने हैं उनको बीच में लेने दो, हमारा काम अभी, हमें मजों से फर्क भी नहीं पड़ रहा, जिसको जो बोलना है बोले, हमारा जो भी फोकस है जस्ट कि बेस्ट रिजल्ट हमारे लिए आए, दैट्स इट। और सबका आई थिंक वही है अभी। मेन इश्यू तो है कि कई लोगों को लॉगिन और ऐप ही नहीं खुल रहा है, मैंने भी ट्राई किया था, मेरा भी नहीं खुला था। मेन इश्यू वही आ रहा है यूजर्स को, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, पता करना पड़ेगा लॉगिन में, होपफुली ये पता लगे कि क्या इशू है, क्योंकि मेरे को ये इशू नहीं आया बट मेरे को मैसेज जरूर आया काफी लोगों का, अब तक नहीं आया बट ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टू मिनट गाइस, इफ एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर तो ये अब तक एक वन वे कॉन्वर्जेशन रहा है, तो अगर आपके कोई भी सवाल हो, बिकॉज मेन एम ऑफ बीइंग हियर इज कि आपके सवाल भी हम ले पाए, एल्स हम ये रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज यहाँ पे डाल सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इससे हटके है बट रिलेटेड ही है, सचिन तेंदुलकर कार्ड खरीदा था इन्होंने, मर्चेंडाइज बॉक्स और मीटअप का प्रॉमिस हुआ था, कुछ नहीं मिला तो पूरा वेस्ट हो गया लग रहा है। आई थिंक कि वो शायद आपको अभी भी मिल सकता है, उसके लिए शायद आप पेशेंट रह सकते हो, क्योंकि जो उन्होंने उनके साथ डील की होगी वो तो शायद अभी भी चालू ही होगी, और अगर वो उसका पार्ट था तो आई एम श्योर कि वो मिलना चाहिए। तो इस पर भी जो कोई अपडेट होगी मैं एक बार बात करके आपको बता दूंगा, क्योंकि विड्रॉल तो खैर अपनी जगह है बट मीट एंड ग्रीट तो अभी भी शायद मुझे लगता है शायद हो जानी चाहिए, तो जैसा भी होगा मैं एक बार आपको अपडेट करता हूं।
ऑल्सो ये बात पे वी डोंट हैव क्लैरिटी टिल नाउ, बट डेफिनेटली ये चीज़ भी हम आगे रखेंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका बिलो $25 बैलेंस रहा होगा, एंड ऑफ ये मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी स्प्लिट करा दिया, इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो जितना मुझे पता है शायद आई थिंक ये हट जाना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है जिसके पास में वॉलेट के अंदर $20 पड़ा है वो विड्रॉ करेगा कैसे। ये तो प्रायोरिटी पे बात कर ली गई है, इनफैक्ट मेरा भी मैसेज जा चुका है कि इसका तो कोई सेंस ही नहीं है इस टाइम पे, अगर आप कह रहे हो ऐप बंद कर रहे हैं, या चलो इफ यू आर नॉट क्लोजिंग बट यू वांट पीपल टू विड्रॉ, तो एटलीस्ट गिव देम द लेवरेज की वो जो भी विड्रॉ करना चाह रहे हैं जो बैलेंस है, क्योंकि किसको कंटिन्यू नहीं करना वो उसकी मर्जी है, तो ये तो हटाना ही पड़ेगा, देयर इज नॉट एन ऑप्शन, ये करना ही है, $25 हटाना ही चाहिए बिल्कुल। One of their mods has already said this, I think. So, yeah. Mods को trust मत करो भाई, mods को काफी time से हम भी contact कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई trust वाली बात रही नहीं अभी। Mods जो बोल रहे हैं ना, मैंने देख लिया ये चीज, उनको खुद नहीं कुछ पता है, उनको जो कोई कुछ कह देता है वो आगे आके बोल देते हैं, they literally don't know anything, कुछ नहीं मालूम उनको, तो उनकी बातों पर trust मत करो। राहुल जी बोल रहे हैं कि इन्होंने IPL के बाद आधे कार्ड सेल कर दिए थे bronze, but 2500 बचे सेल हो पाएंगे। सर जितने सेल कर दिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आगे कोई सेल नहीं होंगे। मुझे भी आज यही मैसेज आया, पीयूष भाई आपने वीडियो डाला था कि सेल कर देंगे, मैंने सारे सेल पे लगा दिए, लेकिन कुछ सेल हो गए कुछ नहीं, तो मैंने उनका देखा वो गोल्ड कार्ड सेल पे लगा रहे हैं 60 पे 50 पे, तो मैंने उनको बोला यार 40 पे लगा देते 35 पे लगा देते शायद सेल भी हो जाता, लालच उस टाइम पे हो गया सबसे कि थोड़ा महंगे में बेच देंगे, उसी की वजह से आज फंसे हुए हैं, बट ठीक है उनकी भी गलती नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे जो है वो है, जस्ट फाइट फॉर योर राइट, एक ही मैसेज है और वही करना है, आप करते रहो बस वो। एंड जिसके भी KYC स्पेसिफिक इश्यूज है गाइस, पहले तो अगर आपने उनके प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट टिकट नहीं डाला है तो पहले आप वो डालिए, इन केस वो स्टेप आप पार कर चुके हैं एंड अब तक आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो जो भी आपका सपोर्ट टिकट नंबर है वो आप हमारे साथ शेयर करो, एंड अपना जो भी ईमेल आईडी है ऑन एनी ऑफ दिस 4 हैंडल्स, एंड वी विल टेक इट अहेड फ्रॉम देयर, हम उनके साथ वो चीज आगे ले जाएंगे। जाते जाते थोड़ा और दुख बढ़ा दे तो महेंद्र जी बोल रहे हैं उस टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो डबल होता, क्या कहना है आप सबका भाई? उस टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ ना किया होता तो आज हेल्थ बहुत बेटर होती, मेंटल पीस होता, जो पिछले कुछ टाइम से पीस चले गए ना वो पैसे से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। मेन चीज वो है कि आप फोकस करो अभी सॉल्यूशन जो है वो स्टॉक में ही जाता वैसे तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, यहाँ से बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करो, आई थिंक जस्ट फाइट करना चाहिए अभी, और कुछ इसके बारे में सोच ही नहीं सकते, जितना सोचेंगे उतना। मैं तो क्योंकि पिछले 3-4 मंथ से इस चीज़ से परेशान चल रहा हूँ, काफ़ी बातचीत भी करने की कोशिश करी, बट वही है मेरे साथ तो वही हुआ है मीठी गोली वाली चीज़ की, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और कल मैं शॉक था एक्चुअली, कल मैं अब्रॉड से जस्ट आया हूँ और मैंने वो पहली चीज़ देखी ट्विटर पे, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, तो कल तो शैटर ही हो गया था एकदम, यार ये क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, एनी क्लोजिंग कमेंट्स गाइस? नहीं तो वी कैन क्लोज द लाइव एंड स्टार्ट टेकिंग पीपल्स क्वेरीज ट्विटर पे, जिनके भी क्वेरीज हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि यार प्रॉफिट है तो क्या हमें बायबैक मिलेगा? यार जैसे हम बता रहे हैं हमें कुछ भी नहीं मालूम, लिटरली ये वीडियो में हमारा जो है ये इट्स ऑल अस जो हम आपको बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या उन्होंने रिजल्ट दिया या वो क्या करने वाले हैं। जो मुझे लगता है ऑफकोर्स अगर आपस कार्ड्स हैं वो कार्ड्स को वैल्यू दे रहे हैं, तो रिगार्डलेस या ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस वो आपको कार्ड का वैल्यू मिलना चाहिए, अब वो देने वाले हैं या नहीं देने वाले या वो हट जाते हैं तो उसके लिए आप मुझे बोलो यार आपने कहा था मिलेगा, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट फाइट फॉर योर राइट, मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो मे बी वी गो फॉर अनदर थिंग जो मे बी उस टाइम हमें लगेगा, बट फॉर द टाइमिंग हमारा फर्स्ट जो चीज़ है वी वॉन्ट बाय बैक, जो हमारी डिमांड है कि हम लोग क्या रखेंगे मिल के सब उनके आगे, वी वॉन्ट आर कार्ड्स टू बी गिवन वैल्यू, जो उन्होंने कल कहा कि और कार्ड्स आर वैल्यूलेस, कोई वैल्यू ही नहीं है, वो सबसे वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि हमने कार्ड ही तो खरीदे थे, देवर एसेट्स, एसेट कौन सा हुआ जिसको कह दिया गया कि वो वैल्यू ही नहीं है, तो वही हमारी फाइट है भाई कि वैल्यू दो, अपना भी रेप्यूटेशन अच्छा रखो, हमें भी थोड़ी शांति दो, सब अच्छे से एंड हो जाए एंड मे बी वी कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट एंड सब कुछ अच्छा हो उससे। ये एक अच्छा सवाल है कि ट्वीट क्या करना है, तो मेनली आपको ये ट्वीट करना है कि आपने कितना डिपॉजिट किया, उसमें से आपकी कितनी विनिंग्स हुई, कितने आपके ऐसे पैसे जो अब तक जाया गए या कार्ड्स में अटक गए हैं बट आप वो निकाल नहीं पाए हो या सेल नहीं कर पाए, एंड वो कार्ड्स
आपका इन्वेस्टमेंट वहां रह चुका है, अब आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो चीज का एक अच्छे से ब्रेकअप डालिए, चेक करिए आप कितना जीते हैं, कितना आपने डिपॉजिट किया है, ताकि आपकी वो जो कार्ड्स की वैल्यू है वो निकल पाए एंड फिर आप वो हिसाब से उस पैसे को वापस निकाल पाओ। तो अगर आप ये चीज एकदम अच्छे से मेंशन करोगे उनको, तो उनको भी ये बात क्लियरली पता चल जाएगी कि पर यूजर कितना लॉस है, क्या घाटा है एंड एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड इम्पैक्ट तभी बनेगा जब आप फिगर्स में बात करेंगे। नो ऑफ कोर्स उनको मालूम है, बट जस्ट पर यूजर बेसिस पे इफ एवरी यूजर इज टेकिंग अ स्पेसिफिक स्टैंड कि भाई ये हमारा लॉस है एंड ये एक्चुअल इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। इनफैक्ट आपको ये दो हैशटैग आशीष ने बोला था, ड्रीम लैंड रेरियो वी वांट बाय बैक। हां मेक श्योर आप नेसेसरी जहां पे आपको लगता है टैग करना वहां जरूर टैग करो, हम लोगों को करो ताकि हम लोग भी उसको रीट्वीट करें, हम लोग में भी उस पे कमेंट करें तो एक्स्ट्रा उसको एक अटेंशन मिले। तो मेक श्योर आप सही जगह तक उसको पहुंचाओ, जो आप टाइप कर रहे हो वो सही जगह तक पहुंचाओ एंड मेक श्योर हैशटैग दो होने चाहिए, वी वांट बाय बैक और बाय बैक रेरियो। विदाउट स्पेस हैशटैग डालना है, ठीक है, सबको अच्छे से हैशटैग डालना है, तभी वो ट्रेंड पे जाएगा, तभी अटेंशन ज्यादा मिलेगा। जो हमारा मुद्दा है सही आइस पे वो जाएगा, मे बी इट रीचेस सम काइंड आइस जिसको ऑडियंस का ध्यान आए और वो सही डिसीजन ले पाए। दिस इज अ गुड सजेशन एक्चुअली एंड अगर आप सब नाउ दैट वी फोर आर ऑलरेडी हियर, अगर कोई स्पेसिफिक हैशटैग्स अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो आप लोग, तो हम वही हैशटैग्स यहां पे मेंशन कर लेते हैं। सो जो भी सारे केसेस हैं कम अंडर दैट, लेट्स डू वन थिंग, सभी अगर फोन है सबके हाथ में तो अभी एक ट्वीट करते हैं, तो उस पे नेसेसरी अटेंशन भी आ जाएगा, एक दूसरे की ट्वीट पे भी हम मे बी एक थ्रेट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट राइट नाउ, मे बी सब लोग अगर विलिंग है तो। या टोटली। तो सारी जो ऑडियंस देख रही है गाइस प्लीज हैशटैग जो भी डालेंगे वो ध्यान रखना और मेक श्योर टू यूज दैट। अगर आप रीपोस्ट भी कर रहे हैं तो मेक श्योर टू ऐड समथिंग एंड ऐड द हैशटैग एंड रीपोस्ट इट। ओके What is the hashtag that you are putting? मैं यही चीज यहाँ पे डाल देता हूँ फिर। We want buyback, Rario buyback. Okay? बाकी आप अपना suggestion दे सकते हो। तो यही एक main hashtag then we'll keep Rario buyback. Rario buyback and we want buyback. Okay, I will put Rario buyback first. Guys, सब लोग प्लीज आप यही हैशटैग यूज करिए ताकि यही हैशटैग से हम सबके जो भी रिप्लाईज है उसके अंडर ही आ जाए। And make sure to tag necessary people we want them to reach to. Of course, Rario, Dream 11. I've tweeted it. Done. Tweeted. ठीक है, so we'll close now. Thank you so much. आप सबने यहाँ आके support किया, अपना समय दिया and आप सब आप तीनों को एक ही request है कि I think हमने क्योंकि हमने इतना जल्द में so thanks to me और माई फॉल्ट लेट मैंने स्टार्ट किया तो वो वजह से डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं हुए, तो प्लीज़ आप सभी जो आपके ट्वीट्स है एंड आपके जो टेलीग्राम ट्विटर चैनल्स है आप डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दीजिए ताकि जो सब लोग यहाँ पे ट्यून्ड इन है वही ट्वीट्स पे अपने इश्यूज डाल पाए। थैंक यू सो मच एंड आई होप नेक्स्ट वीक तक हम आपके साथ वापस हों बट एक बेटर न्यूज़ एंड
with a more positive outlook ke sath. Thank you, everyone. Thank you.